इससे बाद कुछ दिन बाद हमारे जो व्यूवर्स थे उन्होंने बोला कि आपको इन सबके अलावा फिटनेस और जिम यानी एक्सरसाइज वर्कआउट पर भी वीडियो डालिए। तो दोस्तों इसीलिए हम आज आए हैं ये कानपुर का जिम है टीम एम जेड द असल जोन, आपको वहाँ लेके आए हैं। और हमारे साथ आज हैं यहाँ के ओनर और मतलब एकदम कमाल के ट्रेनर भी हैं, तो इनका नाम है ये हमारे संजय भैया। सबसे पहले मैं आपको शुक्रिया करना चाहूँगा कि आप हमारे जिम में आए हैं और आप लोगों को इतना अच्छा सिखा रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। ये भी बहुत बढ़िया बात है, हम लोग कर ही रहे हैं और आप लोग भी जागरूक कर रहे हैं हमें तो फिट रहने के लिए। तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। दोस्तों आज नॉर्मली हमारा ये पहला दिन है और पहला वीडियो है, तो हम नॉर्मली आज ऐसे टॉपिक पर बात करना चाहेंगे जो नॉर्मली लगे कि हाँ ये शुरुआत की है। जैसे कि आप सोचते हैं कि आप पहले दिन जब जिम जाते हैं और या जिम करने की सोचते हैं तो कई लोगों के मन में ख्याल आता है कि यार वो कैसे जिम करना है, वहाँ जाके क्या वर्कआउट करना पड़ेगा, क्या मैं जिम करने के लायक हूँ या नहीं, इस तरह के सवाल आते हैं। तो इसी तरह का आज इस वीडियो में हम अपने सभी भैया से बात करेंगे, लेकिन थोड़ा अभी उनके बारे में भी जान लेते हैं, उन्होंने ये कैसे स्टार्ट किया, वो मोटिवेट कैसे। तो सभी भैया आप बताइए आप कैसे। अच्छा मैं बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं था, बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं था, और मेरा सीन ये था कि मेरे घर वाले भी मुझे कहीं बाहर ले जाने में कतराते थे, ठीक है। माँ बोलती थी कि इतना खाते हो, और हमने गाँव के पास बोलती थी हम लोग गाँव करता हूँ बैठा हुआ से, तो वो कहती थी इतना खाते पीते और सब बच्चे देखो कितने हेल्दी हैं, और आप मेरी ये ड्यूटी बहुत ज़्यादा दिखती थी, पूरा दिखाओ आप
चाहिए पूर्ण भाई। 20 साल के हो, सिगरेट पी रहे हो, दारू पी रहे हो, शरीर में ताकत नहीं है, टाइम से सो नहीं रहे हो, उठ नहीं रहे हो, घर से निकलो तो फादर तुम्हारे लगना चाहिए हाँ मेरा रौंदा आ रहा है, ठीक है। फ्यूचर तो इसमें बहुत बढ़िया, जब आपकी किसी ने कहा है, महान इंसान ने कहा है कि स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ दिमाग का हिस्सा होता है, तो जब स्वस्थ तुम्हारा शरीर रहेगा तो फ्यूचर तो अपने आप हमारा ब्राइट होता होगा, तो इसमें कोई हुआ नहीं, मतलब और अच्छा जी।
फर्जी गुरु जी से आपको बोल रहे हैं, वरना आपके ऑर्डर बहुत ही बस यही है कि शुरुआत में बेसिक चीजें करें, पुशअप्स, चिन अप, साइकिलिंग, रनिंग, पुलअप्स और पैरेलल डिप्स, तब फुल सिस्टम हम बहुत बेसिक से करें। और अगर आप रिपीट स्टार्ट करना चाहते हैं तो एक पुशअप एक ऐसी वर्कआउट है जो आपको कंप्लीट बॉडी एक्सरसाइज, आप पुशअप डेली मारिए 20 से 25 से, शुरुआत सुबह उठिए और कुछ खा लीजिए, सुबह एक पुशअप मार दीजिए, देखो आपका एक महीने में अंतर आ जाएगा। अगर आप घर पे ही हैं और स्टार्ट करना चाहते हैं पुशअप और चिन अप और बढ़िया जाता है। तो दोस्तों हमको उम्मीद है कि आपको ये जानकारी जो है और जो वीडियो दिखाया आपको पसंद आया। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अब आगे एकदम मजेदार मजेदार वीडियो आपको फिटनेस के बारे में मिलने वाले हैं। तो भैया एकदम जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दो, और अगर आपको कोई जानकारी चाहिए हो या अगर आपको किसी वर्कआउट के बारे में कुछ पूछना हो तो कमेंट भी करिए। मेरा और उससे जुड़ना है, मेरा नाम है समीर तिवारी और मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है 5997।